عليكم ناظرين. मैं आपका मेज़बान मोहसिन रज़ा हबीबी कादरी आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल फैज़ान औलिया पर दोस्तों आज की वीडियो में हम हुजूर महबूब इलाही हजरत सैदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह के ऐसे प्यारे मुरीद और ख़लीफा का ज़िक्र खैर करेंगे कि जिनसे उनकी हयात पाक में तो कई करामतें ज़ाहिर हुई लेकिन विशाल शरीफ के बाद भी उनसे एक अजीब करामत ज़ाहिर हुई कि अपने पीर भाई के अदब की खातिर इनका मज़ार शरीफ अपनी जगह से हट कर दूसरी तरफ चला गया ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे क्या वजह थी इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आइए हम उस आस्ताना शरीफ की जियारत करते हैं चाह है, है पाते चाते ये गोतर हैं ये गोतरे आपका मुबारक नाम हजरत सैदना ख्वाजा मलिक बहाउद्दीन रहमत हैं गालिबन आप मुल्के कुर्दिस्तान के रहने वाले थे इसीलिए आप मलिक बहाउद्दीन कुर्दिस्तानी और बहाउद्दीन कुर्दी कहे जाते हैं इब्तदाई जमाने में जब आप मुरीद भी न हुए थे तो अपनी जिंदगी को बड़े ऐशो आराम से गुजारते थे आप बहुत ही मालदार थे और एक ऊंचे पर फाइज थे इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा खर्च किया करते थे अल्लाह तबारक व पर ख़ास करम हुआ कि आप हुजूर सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तदमत बाबरकत में हाजिर हुए और उनसे मुरीद हो गए जिस दिन आप हुजूर महबूब इलाही के मुरीदों में शामिल हुए उस दिन से आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया कि आपने अपना तर्क कर दिया और अपनी सारी दौलत को राह खुदा में लुटा दी सब कुछ छोड़कर मुर्शिद की खिदमत में रहने लगे सरकार महबूब इलाही की तवज्जो और सहबत ने आपको क्या से क्या बना दिया हुजूर महबूब इलाही रदी अल्लाह तहबत में रहकर आप ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त इबादत और रियाजत में गुजारते दुनियादार लोगों से मुलाकात करने से परहेज़ करते मुर्शिद की सहबत को ही अपने लिए सलामत जान कर हमेशा उनकी खिदमत में रहते और उनके फैज़ो बरकात से मालामाल होते रहते हुजूर महबूब इलाही रदी अल्लाह होने अपने हजारों खलफा को साहिब विलायत और आली मकामता फरमा कर हिंदुस्तान के कोने कोने में खिदमत दीन के लिए भेजा एक दिन हुजूर महबूब इलाही ने आपको तलब किया और आपको सिलसिले आलिया चिश्तिया बहिश्तिया की अज़ीम खिलाफत अता माई और आपको गुजरात के तारीख़ी शहर पट्टन रवाना किया पिर मुर्शिद के हुक्म पर आप दहली से सफ़र करते हुए गुजरात के शहर पट्टन तशरीफ लाए और यहाँ आकर ताजदार विलायत हजरत सैदना मखदूम ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती मुल्तानी रदी अल्लाह ख़िदमत में हाज़िर हुए ये हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी रदी अल्लाह तु भी हजूर महबूब इलाही रदी अल्लाह के ही मुरीद और खलीफा हैं आपको हजूर महबूब इलाही की बारगाह में बहुत ज़्यादा ुरबत और मकबूलीत हासिल थी आपूर महबूब अलाही के खास ख़ास खुल्फा में से एक है हुजूर महबूब इलाही ने आपको सल्तनत गुजरात का बादशाह विलायत बनाकर यहाँ भेजा था हज़रत ख्वाजा मलिक बहाउद्दीन कुर्द ताला रहम पट्टन में तशरीफ़ लाए और इन्हीं की खिदमत में रहने लगे इन दोनों बुज़ुर्गों के दरमियान बहुत गहरी मोहब्बत थी दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते थे और एक दूसरे का बहुत एहतराम किया करते थे एक मरतबा ये दोनों बुज़ुर्ग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि हज़रत सदना ख्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी रजी अल्लाह तुने बड़ी ही आज़जी के साथ आपसे फ़रमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं आपके कदमों के नीचे आराम करूं इस पर हज़रत ख्वाजा मलिक बहाद्दीन करद रमतल तरमाया कि मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जब मेरा विसाल हो तो मैं आपके कदमों के नीचे आराम करूं और क़यामत तक वही रहूं। आप मेरे क़दमों के नीचे आराम करें यह हरगिज़ नहीं हो सकता आप शाह विलायत है आप हुजूर सुल्तानुल मशाइक के ख़ास खुल्फा में से एक है और अहले दिल अहले नज़र वली ये कामिल है इसी तरह हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी अल्हमा ने भी हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन कुर्द की तारीफ़ की और अपनी आजजी का इजहार करना शुरू किया दोनों बुज़ुर्गों के दरमियान ये आजिज़ाना गुफ्तु बड़ी लंबी हो गई बिल आखिर दोनों बुज़ुर्गों ने इस बात पर इतफाक़ किया कि जिसका विसाल पहले होगा तो दूसरे की कब्र उसके कदमों में यानी पाइती की तरफ होगी यानी अगर हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन पहले विशाल फरमाते हैं तो उनके कदमों में हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन की शरीफ होगी और अगर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन पहले विशाल फरमाते हैं तो उनके कदमों में हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन की कब्र शरीफ होगी बहरहाल बात तय हो गई अब हुआ यूं कि हज़रत सदना मलिक बहाउद्दीन तय का विशाल शरीफ पहले हो गया और कुछ मुद्दत के बाद हजरत ख्वाजा इसामुद्दीन मुल्तानी रदी अल्लाह तशाल हुआ जो लोग इन दोनों बुजुर्गों के बीच में हुई गुफ्तगु और वसीयत को जानते थे उन्होंने उसी पर अमल किया चूँकि हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन का विशाल पहले हो गया था तो हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन को उनके कदमों की तरफ यानी उनकी पाइती में दफन किया लोग दफन करके चले गए और जब दूसरे रोज़ सुबह मज़ार पाक पर आए तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि हज़रत बहाउद्दीन रहमत ला अलैह का मज़ार जो ऊपर की जानिब था वो अपनी जगह से गायब हो गया और हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन रहमत ताला की पाइती की तरफ आ गया आप हज़रत मखदूम हिसामुद्दीन मुल्तानी रदी अल्लाह का इतना अदब करते थे कि विसाल शरीफ के बाद भी उसी अदब को मलहूज रखा हजरत सैदना ख्वाजा मलिक बहाउद्दीन कुर्दी रहमत ला तलह का विशाल पाक दफ़रमजफ़र को हुआ आपको शहीद मलिक बहाउद्दीन कुरदानी और उर्फ में अब्दुल्ला शहीद भी कहते हैं आपको अब्दुल्ला शहीद कहने की वजह और आपकी शहादत का वाक़ किताबों में न मिल सका आपका मजार अनवार, गुजरात के शहर पट्टन में हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी रदी अल्लाह रोज़ा शरीफ के सहन में हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन के मजार शरीफ के पाँती की तरफ आपका मजार पाक है आपके मजार शरीफ पर कोई गुम्बद नहीं है एक दरख्त आपके मज़ारे पुरान पर साया किए हुए है और यही वो मुबारक इहाता है जहाँ एक साथ एक सौ इक्यावन वली आराम फरमा रहे हैं बड़ी ही बाबरकत और पुरसकून जगह है ये दरगाह शरीफ का एड्रेस और हजरत सदना ख्वाजा हिसामुद्दीन मुल्तानी रजी अल्लाह की दरगाह शरीफ की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखे दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें अमैलिक वरहि वबरक